आज की जो रेसिपी है पालक पनीर वो डिलीशियस होने के साथ बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें है प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन। तो बनाते हैं इस रेसिपी को जल्दी से। पालक पनीर बनाने के लिए पालक को अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लेना है, और उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में डाल लेना है। और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, और अब यहाँ पे डालेंगे लहसुन की कलियाँ 4 से 5। तो आप लहसुन थोड़े कम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 काजू। तो काजू डालने से ग्रेवी बहुत क्रीमी हो जाती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है काजू डालने से। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। चीनी से पालक के अंदर जो थोड़ी सी कड़वाहट रहती है वो चली जाती है, और पालक का कलर डल नहीं पड़ता बॉयल करते समय। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, और इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 1 सीटी आने तक पका लेना है। और यहाँ पर पालक जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी, और अब यहाँ पे पनीर को कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैं पनीर को डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई कर लें या फिर पनीर को ऐसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे पनीर जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनके ऊपर अच्छी सी ब्राउन कलर की क्रंची लेयर आ गई है, मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, उसमें डालेंगे जीरा और तेज पत्ता, और उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे प्याज को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, लहसुन, अदरक को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है मैंने, और अब यहाँ पे इसे डाल देना है। और इसे भी अच्छे से फ्राई करना है जब तक ऑयल इसमें से सेपरेट ना होने लग जाए। और यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लगा है टमाटर से, अब इसमें डाल देंगे नमक, धनिया पाउडर। और यहाँ पे धनिया पाउडर को डालने के बाद 2-3 बार इसे चला लेंगे, और अब इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट, और इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं पालक का पानी, जो बॉयल करते समय पानी बच जाता है उसे फेंकना नहीं है, उसे यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर 1 कप पानी और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें पानी ज़्यादा ना डालें, इससे ग्रेवी का स्वाद है वो कम पड़ जाएगा। और जब पालक की ग्रेवी में बॉयल आ जाए तो ये जो फ्राई किए हुए पनीर है आप उसको डाल दें इसके अंदर। और अब यहाँ पर डाल देंगे हम गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि पालक ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, पका हुआ है, और पनीर को भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसे कवर करके रख देंगे। और अब हम बनाएंगे इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है पालक पनीर के लिए तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन में घी 2 टेबलस्पून, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें 3 से 4 चॉप किए हुए लहसुन डाल देंगे। और जब लहसुन थोड़े गोल्डन ब्राउन होने लग जाएं तो उसमें डालेंगे हींग, और उसके बाद इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसे 1-2 बार स्टर करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है, क्योंकि कश्मीरी मिर्च जल सकती है। और उसके बाद ये तड़का हम डालेंगे पालक पनीर के अंदर, और अब इस तड़के को पालक पनीर में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये तड़का बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना पालक पनीर की जो रेसिपी है वो इनकम्प्लीट है। तो जिसे भी पालक पनीर पसंद नहीं है आप उसके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उसकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाए।
और इस रेसिपी को आप अपने रेगुलर डाइट में भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। और अब यहाँ पे मैं पालक पनीर को सर्व कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ा तड़का जो है वो बचा के रखा था, मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है उसी तड़के से, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है ये पालक पनीर। और डीप फ्राई करने से पालक पनीर के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है पालक पनीर में डीप फ्राई करके पनीर को ऐड करना। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।